नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राणा सांगा के उत्तराधिकारियों के बारे में, क्योंकि साथियों राणा सांगा के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर साथियों आपने वह क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप उन्हें अवश्य वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो देखिए साथियों, आज सबसे पहले हमारे शासक होंगे राणा रतन सिंह, जो कि राणा सांगा के पुत्र होते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है रतन सिंह। साथियों, रतन सिंह कौन है? तो यह राणा सांगा के पुत्र हैं तथा उत्तराधिकारी भी हैं, यानी कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात में तत्काल बाद में यह शासक बनते हैं। साथियों, इसीलिए इन्हें उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। साथियों, देखिए, कहा जाता है कि भाई इनका शासनकाल बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है। अब साथियों, वो क्यों होता है तो वो जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आइए साथी जुड़ते हैं वापस से। तो देखिए, मैंने यहां लिखा है 3 वर्ष के शासन के पश्चात में सामंत सुरजनहाड़ा के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो साथियों, सबसे पहला कारण बनता है कि भाई इनकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या करने वाले कौन थे? तो साथियों, मेवाड़ के ही सामंत थे सुरजनहाड़ा, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। साथियों, हत्या कौन करवाता है, किस प्रकार से करवाता है, तो वो जानकारियां मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए साथियों, अब इनके पश्चात में शासक बनते हैं हमारे महाराणा विक्रमादित्य, जो कि अपने राणा सांगा के ही पुत्र होते हैं। साथियों, परंतु इनकी माताएं अलग अलग होती है, यानी कि रतन सिंह की माता अलग है और विक्रमादित्य की माता अलग है। साथियों, अगर बात करते हैं अपने विक्रमादित्य की माता के बारे में, तो देखिए इनकी माता हुआ करती थी हाड़ी रानी कर्मावती, जो कि साथियों विक्रमादित्य की संरक्षिका भी बनेगी। तो साथियों, वापस से जुड़ते हैं और देखिए महाराणा विक्रमादित्य अब सेकंड शासक बन रहे हैं। साथियों, यहाँ पर तो देखिए मैंने इनके परिचय में लिखा है राणा सांगा का पुत्र तथा रतन सिंह का उत्तराधिकारी, यानी कि यह राणा सांगा के तो पुत्र हैं और रतन सिंह के भाई भी हैं, और साथियों उनके उत्तराधिकारी भी हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात में गद्दी इन्हें प्राप्त होती है। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि मैं देखिए यह एक अयोग्य अल्पवयस्क शासक था, यानी कि यह एक तो अल्प आयु में शासक बनते हैं। साथियों, यह शासक बनना नहीं चाहते, परंतु इनकी माता चाहती है कि भाई मेरा बेटा शासक बने, इसीलिए इनकी माता ने रतन सिंह की हत्या करवा दी थी। तो साथियों, आप समझ चुके होंगे कि भाई यह अल्पवयस्क शासक है और इनकी कम उम्र भी है, और साथियों इनकी मानसिक स्थिति कमजोर है। तो साथियों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, देखिए यह अयोग्य अल्पवयस्क शासक था। साथियों, अगर बात करते हैं इनकी संरक्षिका की, यानी कि साथियों छोटे होने के कारण इनको संरक्षक की जरूरत पड़ती थी। तो साथियों, संरक्षक कौन बनी हुई थी? तो संरक्षक थी साथियों इनकी माता, यानी कि हाड़ी रानी कर्मावती अपने विक्रमादित्य की माता थी, और वह संरक्षिका का दर्जा भी निभा रही थी। अगर साथियों आगे जानकारियों की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले बात होगी साथियों 1533 ईस्वी के अंतर्गत हुए आक्रमण के बारे में। तो देखिए साथियों, 1533 ईस्वी के अंतर्गत एक आक्रमण होता है मेवाड़ क्षेत्र के ऊपर। तो साथियों, मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण होता है 1533 ईस्वी में। तत्काल में किसके द्वारा किया गया था आक्रमण? तो साथियों, यह आक्रमण किया गया था गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा। साथियों, कहां पर किया गया? तो यह किया गया था मेवाड़ के ऊपर। तत्काल के अंतर्गत शासक कौन था? तो साथियों, शासक था हमारा विक्रमादित्य, जो कि अल्पवयस्क था और अयोग्य शासक था। साथियों, उसकी हाड़ी रानी जो कि कर्मावती थी, वह उसकी संरक्षिका थी। तो साथियों, सारी जिम्मेदारियां अब हाड़ी रानी कर्मावती के पास में थी, क्योंकि इसका पुत्र जो कि शासक है वह तो अयोग्य है, वह अल्पवयस्क है। तो साथियों, सारी भूमिका हाड़ी रानी कर्मावती को निभानी थी, जो कि युद्ध में होती है। तो साथियों, देखिए हाड़ी रानी कर्मावती ने एक चाल चली और एक योजनावश पूरी संयोजित तरीके से इसने एक जो रणनीति बनाई और इस युद्ध को टालने की कोशिश करी। साथियों, युद्ध को टालने में वह कामयाब भी होती है, परंतु वह एक स्थायी तौर पर इसे टाल नहीं सकती है। साथियों, जब बहादुर शाह अपने मेवाड़ में आया था, तो उसने यानी कि उसको हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने रणथंभौर का दुर्ग देकर लौटा दिया था। यानी कि साथियों, जब अपने बहादुर शाह आता है, वह यहाँ पर युद्ध की तैयारी करता है और उनसे बातचीत होती है, तो साथियों संदेश में वह भेजती है कि भाई आप वापस से लौट जाइए और मेरे रणथंभौर दुर्ग को आप अपने अधीन कर लीजिए। तो साथियों, इस चीज़ से बहादुर शाह बड़ा खुश होता है कि बिना लड़े करे कुछ ही हमें मतलब कुछ भी जाने गंवाए बगैर या फिर कुछ भी हानि उठाए बगैर मुझे एक बड़ा सारा दुर्ग मिल रहा है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशाल है। और साथियों, आपको पता भी है हमने चौहान वंश के अध्ययन के अंतर्गत रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूरी जानकारियाँ कवर करी थी। अगर साथियों आप रणथंभौर दुर्ग के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, तो आप लिखिए ऑनलाइन स्टडी ORG रणथंभौर दुर्ग, आपको सारी जानकारियां इस दुर्ग के बारे में एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि वे बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग प्राप्त हो चुका है और वह खुश होकर इसे लेते हुए पुनः लौट जाता है। साथियों, परंतु यह एक स्थायी जो रणनीति नहीं थी, क्योंकि साथियों बहादुर शाह अगले ही साल यानी कि 33 के पश्चात में 34 के अंतर्गत पुनः आक्रमण करने की योजना बनाएगा। तो देखिए मैंने यहां लिखा है 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया, तब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग करी थी।
तो देखिए 1534 ईस्वी के अंतर्गत बहादुर शाह जो कि साथ ही गुजरात का शासक है, यह पुनः आक्रमण करने की योजना बनाता है और यह आक्रमण करता भी है। तो देखिए साथियों, अब कोई दुर्ग नहीं देगी कर्मावती, क्योंकि कर्मावती समझ चुकी थी कि यह व्यक्ति लालची है और यह किसी बात को मानने वाला नहीं है। तो साथियों उसने सोचा, यानी कि कर्मावती ने सोचा कि अब मुझे इससे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो साथियों वह जो मुगल बादशाह था हुमायूं को पत्र लिखती है और उसके साथ में राखी भेजती है और राखी भेजते हुए उससे कहती है कि भैया आप मेरी रक्षा कीजिए, आज मुझे युद्धकाल के अंतर्गत या फिर आपात स्थिति में मुझे आपकी सुरक्षा की, आपकी मदद की जरूरत है। तो साथियों तत्काल के अंतर्गत हुमायूं कहां पर था? तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई तत्काल में हुमायूं एक अभियान पर था। और साथियों अगर बात करते हैं उस अभियान के बारे में, तो देखिए साथियों वह अभियान हुआ था मालवा के अंतर्गत कलिंजर के ऊपर। देखिए कलिंजर के दुर्ग को हुमायूं जीतने ही वाला था। साथियों अगर हुमायूं वहां से पीछे हटता और मेवाड़ की ओर आता तो वह कभी भी इतिहास में कलिंजर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता था। तो साथियों इसीलिए हुमायूं ने सोचा कि भाई हाँ मैं यहां पर विजय करने के पश्चात मैं चलूंगा। तो साथियों जब हुमायूं यहां पर पहुंचता है तो तत्काल में देर हो चुकी है और साथियों इस बीच के अंतर्गत पूरे दुर्ग के अंतर्गत तहस नहस कर दिया जाता है और इसके अंतर्गत मेवाड़ की पराजय हो चुकी होती है। साथियों जब हुमायूं यहां पर पहुंचेगा तो वो दृश्य मैं आपको पीछे वापस से अगली क्लास में आगे की जानकारियों में रिलेट करवाऊंगा। साथियों आप यहां पर नोट कीजिए, अभी देखिए भाई खाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, एक चीज ये नोट कर लीजिएगा। साथियों इसके पश्चात में लिखिए इस युद्ध के अंतर्गत, यानी कि 1534 ईस्वी के युद्ध के अंतर्गत रावत बाग सिंह। साथियों रावत बाग सिंह कौन था? तो यह इस दुर्ग का सेनापति हुआ करता था। रावत बाग सिंह के द्वारा केसरिया किया गया तथा हाड़ी रानी कर्मावती ने इस युद्ध में जौहर किया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि वह भीषण युद्ध हुआ होगा और उस युद्ध के अंतर्गत जब मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ने लगती है तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम वही करेंगे जो कि हमारे पूर्वजों ने किया था और हम इतिहास को पुनः दोहराएंगे और हमारा जो साका करने की परंपरा होती है उसे वापस से शुरू करेंगे। तो साथियों जब एक समय की बात है, जब इस युद्ध के अंतर्गत जब मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ चुकी थी तो उन्होंने कुछ ना करने की सोचकर एक ऐसा कार्य करने की सोची जो कि कैसरिया या फिर जौहर कहलाता है। साथियों उसे संयुक्त रूप से साका कहा जाता है। तो साथियों देखिए साका किया गया, साका के अंदर होता है कि भाई जो कैसरिया होता है, जो कैसरिया करते हैं पुरुष जो कि होते हैं अपने सैनिक होते हैं वह करते हैं जो कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर सर पर कैसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध मैदान में कूद पड़ते हैं और मरने और मारने की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों दूसरी ओर करती हैं महिलाएं जौहर। तो साथियों देखिए यहां पर हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर को रचाया था। तो इस प्रकार से साथियों अब उनकी मृत्यु होना तो निश्चित है, क्योंकि साथियों मरने और मारने की बात पुरुष कर रहे हैं और जो महिलाएं जौहर में कूदेगी, अग्नि में कूदेगी, तो उनकी मृत्यु होना बिल्कुल सुनिश्चित भी है। तो साथियों इस प्रकार से साका और जौहर करने के पश्चात के अंतर्गत हमारे बहादुर शाह जो कि साथियों गुजरात का शासक है, इसकी विजय होती है मेवाड़ के ऊपर। साथियों मेवाड़ पर विजय करने के पश्चात में जब हुमायूं यहां पर पहुंचता है तो हुमायूं देखता है कि भाई अब सब बहुत देर हो चुकी है और मेरी बहन का साम्राज्य पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। तो साथियों तत्काल के अंतर्गत बहादुर शाह भी गुजरात की ओर लौट चुका था। साथियों गुजरात पर लौटने से पहले ही हुमायूं पहुंचता है गुजरात के अंतर्गत। साथियों वो ये मेवाड़ से सीधा हुमायूं जाएगा गुजरात में। अब देखिए गुजरात में जाने पर क्या करेगा वह, तो वह गुजरात में जहां पर बहादुर शाह का दुर्ग था, उनका जो साम्राज्य था, उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो साथियों जब खबर पहुंचती है वापस से बहादुर शाह के पास में कि भाई हुमायूं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो साथियों बहादुर शाह और तीव्र गति से निकलता है गुजरात की ओर। वह वहां पर साथियों उनके मध्य में वहां पर युद्ध होगा। अब उस युद्ध के बारे में साथियों हमें डिस्कस नहीं करना है, हम वापस से लौटते हैं मेवाड़ के अंतर्गत। अब देखिए साथियों मेवाड़ में होता क्या है कि ना तो हुमायूं है, ना ही अपने रानी कर्मावती हैं, और ना ही ठाकुर भाग सिंह हैं, और ना ही साथियों बहादुर शाह जो कि आक्रमणकारी था, जो कि विजय कर चुका था। साथियों अब कोई भी नहीं बचा है, यहां पर कुछ सरदार बचे थे। तो साथियों सरदारों ने पुनः विक्रमादित्य को अपना शासक बनाने की कोशिश करी। तो साथियों देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस युद्ध के अंतर्गत शासक कौन था, विक्रमादित्य ही था। तो विक्रमादित्य साथियों अल्पवयस्क और अयोग्य शासक होने के कारण इनकी माता हाड़ी रानी कर्मावती ने इन्हें और इनके भाई को, यानी कि साथियों उदय सिंह को और विक्रमादित्य को अपने ससुराल अपने पीहर भेज देती है। यानी कि साथियों उदय सिंह और विक्रमादित्य अपने ननिहाल में पहुंच जाते हैं सुरक्षित तौर पर। साथियों युद्ध से पहले की बात है कि वह विक्रमादित्य और उदय सिंह को हाड़ी रानी कर्मावती ने इनके ननिहाल भेज दिया था, जो कि साथियों बूंदी में हुआ करता था। साथियों अब देखिए 1534 का युद्ध समाप्त हो चुका है, उसके पश्चात में सभी अपने अपने राज्य में लौट चुके हैं। अब बचे हैं कुछ सामंत कुछ सरदार यहाँ पर। तो साथियों सामंत और सरदारों ने मिलकर वापस से योजना बनाई कि भाई मेवाड़ को अब चलाना तो है, शासक की जरूरत तो होती ही है। तो साथियों उन लोगों ने सोचा कि भाई हम तक क्यों ना बूंदी से विक्रमादित्य और उदय सिंह को पुनः वापस से मेवाड़ लाकर उन्हें ही शासक नियुक्त कर देते हैं।
तो साथियों जब विक्रमादित्य को पुनः शासक बनाया जाता है अपने मेवाड़ में लाकर, तो देखिए अब साथियों इसके पीछे एक घटनाक्रम और भी होगा जो कि मेवाड़ की आंतरिक कलह को उजागर करेगा। तो साथियों आप समझ चुके होंगे मैंने जो आपको विक्रमादित्य के इतिहास के बारे में जानकारियां बताई हैं, और साथियों मैं आशा करता हूं आपको जानकारियां बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। तो प्लीज साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथियों देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है तत्काल में विक्रमादित्य व उदय सिंह अपने ननिहाल बूंदी में रह रहे थे। साथियों अब बात होती है परंतु बहादुर शाह के पुनः मेवाड़ लौटने पर मेवाड़ के सामंतों ने विक्रमादित्य को पुनः शासक बना दिया तथा इसका विरोध दासी पुत्र बनबीर ने किया और वह विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब साथियों देखिए यहाँ पर विक्रमादित्य वापस से शासक बन चुके हैं, परंतु विक्रमादित्य के साथ ही साथियों एक होता है दासी का पुत्र अपने बनबीर। तो साथियों बनबीर और विक्रमादित्य दोनों ही समकालीन व्यक्ति हुआ करते थे, ज्यादा कोई फर्क नहीं था साथियों, परंतु आप कह सकते हैं कि भाई बनबीर उम्र में बड़ा था और विक्रमादित्य छोटे थे। तो साथियों आप देख सकते हैं बनबीर कौन है, तो साथियों बनबीर है दासी का पुत्र। तो दासी किसकी, कौन दासी, तो क्या है, दासी का नाम है अर्नोस। साथियों देखिए अर्नोस दासी हुआ करती थी पृथ्वीराज सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार की। साथियों उड़ना राजकुमार और अर्नोस के संयोग से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र का जन्म होता है और वह होता है हमारा बनबीर। तो साथियों बनबीर इस बात का विरोध करता है, कौन सी बात का, तो विक्रमादित्य को शासक बनाने की बात का वह विरोध करता है। साथियों वह कहता है कि भाई युद्ध काल के अंतर्गत यानी कि संकट काल के अंतर्गत यह व्यक्ति अपना ननिहाल भाग गया था तो यह दोबारा से वापस कभी भी जा सकता है। तो साथियों इसी चीज का तर्क देकर बनबीर इसकी हत्या कर देता है और खुद शासक बनने के लिए प्रेरित होता है या फिर लालायित होता है। साथियों देखिए अब इसकी अपने यानी कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है बनबीर के द्वारा। अब साथियों विक्रमादित्य का छोटा भाई उदय सिंह भी बचा हुआ है, तो अब साथियों क्या करेगा बनबीर, अब उदय सिंह की हत्या करने की भी कोशिश करेगा। साथियों उदय सिंह की हत्या करने के पश्चात ही इसे दुर्ग की प्राप्ति होगी यानी कि शासन की प्राप्ति होगी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई बनबीर अब इसकी भी हत्या करने की योजना बनाएगा। तो साथियों एक समय की बात है जब इसकी यानी कि विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात में बनबीर महल में जाता है और वहां पर देखता है कि भाई उदय सिंह सो रहा है साथियों, परंतु उसे कुछ लगता है कि भाई मुझे किसी ने लोगों ने देख लिया है। तो साथियों देखती कौन है, पन्नाधाय देखती हैं। साथियों पन्नाधाय उसे देख चुकी होती है कि भाई अब बनबीर है जो कि महल में आ चुका है और तलवार इसके हाथ में है, और साथियों वो समझ सकती है कि भाई बनबीर की इच्छा क्या है क्योंकि उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और यह अब चाह रहा है उदय सिंह की हत्या करना। तो साथियों देखिए अब पन्नाधाय क्या करेगी, साथियों पन्नाधाय कुछ समय एक तरीके से जब बनबीर कुछ समय के लिए आगे पीछे होता है तो पन्नाधाय साथियों अपने पुत्र यानी कि चंदन को बनबीर अपने उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उसके सेज पर या फिर उसके बिस्तर पर उसे लेटा देती है। साथियों उसके बिस्तर पर लेटाने के पश्चात में वह उदय सिंह को लेकर निकल जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। तो साथियों देखिए अब कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने से पहले क्या होगा, यानी कि अपनी जो पन्नाधाय है साथियों पन्नाधाय है वह तो क्या कर रही है, वह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए रवाना हो चुकी है। अब देखिए साथियों पीछे से बनबीर क्या करेगा, बनबीर जाएगा साथियों उदय सिंह के बिस्तर के ऊपर यानी कि वहां पर पलंग पर जाकर देखेगा कि भाई एक बालक सो रहा है और वो उसकी तलवार से हत्या कर देगा। साथियों हत्या करने के पश्चात में बड़ा कुछ होता है कि भाई उदय सिंह भी मारा जा चुका है और अब मैं शासक बन सकता हूँ मेवाड़ का। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हत्या हुई थी चंदन की, तो चंदन की हत्या की साथियों जब खबर सुबह उजागर होती है कि भाई रात को उदय सिंह की हत्या ना होकर चंदन की हत्या हुई थी तो वह इससे बड़ा गुस्सा होता है। परंतु साथियों उदय सिंह तत्काल में आपको पता है कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच चुका था तो मेवाड़ के अंतर्गत यानी कि चित्तौड़ के अंतर्गत साथियों केवल बनबीर शक्तिशाली व्यक्ति बचा था तो उसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई बनबीर शासक बन चुका है अब दोबारा से, और साथियों बनबीर एक ही साल के लिए मात्र शासक बनता है 1536 से लेकर 1537 ईस्वी के अंतर्गत। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनबीर के बारे में जानकारियाँ आपको प्रदान करी है साथियों, और मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैं आपको बताता हूँ, पश्चात में उदय सिंह की भी हत्या कर शासक बनना चाहता है। उदय सिंह को पन्नाधाय अपनी पुत्र चंदन की बलि देकर रक्षा करती है तथा उसे कुंभलगढ़ दुर्ग लेकर चली जाती है, यानी कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा करी थी। साथियों इसीलिए पन्नाधाय को मेवाड़ की माता कहा जाता है, और पन्नाधाय का साथियों जो बलिदान है यह इतिहास में सदैव अमर रहेगा और साथियों सदियों से यह पूजा जा रहा है। अब साथियों बात करते हैं बनबीर के बारे में, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बनबीर एक साल के लिए शासक बनता है 1536 से लेकर 1537 ईस्वी के मध्य में।
अब साथियों पीछे से बात हो रही है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, तो देखिए आपको पता होगा कि वह पन्नाधाय कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंच चुकी है उदय सिंह को लेकर। साथियों उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो साथियों अब बात करेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग की, और वहां पर साथियों बात करेंगे अंदर की अंदर यानी कि उदय सिंह के बारे में। तो साथियों उदय सिंह 1537 ईस्वी के अंतर्गत पहुंचते हैं हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, और साथियों वहीं के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि भाई वहां पर इनका राज्याभिषेक होता है मारवाड़ के राव मालदेव के सहयोग से। साथियों इस चीजों से पहले हम बात करेंगे इनकी माता के बारे में। तो देखिए साथियों इनकी माता हुआ करती थी रानी कर्मावती, और साथियों धाय माँ की बात करते हैं तो धाय माँ है पन्ना धाय। साथियों पन्ना धाय, धाय माँ का मतलब होता है कि भाई संरक्षक करने वाली यानी कि पालन पोषण करने वाली माता होती है जो कि धाय माँ कहलाती है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई मारवाड़ के राव मालदेव के सहयोग से बाल्य अवस्था के अंतर्गत ही 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक करवा दिया गया था। अगर साथियों आपको नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है तो प्लीज थोड़ा समझिएगा मेरी बात को सुनते हुए, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि भाई मारवाड़ के शासक राव मालदेव के सहयोग से उदय सिंह ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, और साथियों कब करवाया गया था तो यह 1537 ईस्वी में करवाया था। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने उदय सिंह के इतिहास के बारे में कि भाई इनके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो साथियों देखिए उदय सिंह का इतिहास या फिर उदय सिंह का काल मेवाड़ के लिए एक कलंक के समान माना जाता है। साथियों ये राजपूत मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राजपूतों का कहना साथियों है कि भाई अगर उदय सिंह हमारे इतिहास में नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और भी ज़्यादा उज्जवल होते। क्योंकि साथियों देखिए इनसे पहले कौन था, तो साथियों इनसे पहले छुटपुट शासक थे, परंतु साथियों उससे पहले थे हमारे राणा सांगा। यानी कि राणा सांगा ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और सदैव वह संघर्ष करते हुए मारे गए, यानी कि वह संघर्ष करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे देते हैं। साथियों बलिदान उन्होंने नहीं दिया था, उनके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी, परंतु साथियों उनकी कोई सोच नहीं थी ऐसी, वह चाहते थे कि भाई मैं हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करता हुआ मरूं, परंतु उनके पुत्र उदा ने साथियों जो कि पितृहंता था वह उनकी हत्या कर देता है। साथियों अब एक और व्यक्ति, एक और तो राणा सांगा थे जो कि बहुत ही बलवान वीरवान व्यक्ति हुआ करते थे। अब साथियों पश्चात में बात करेंगे उदय सिंह के पश्चात में महाराणा प्रताप की, जो कि साथियों बहुत ही प्रतापी हैं, बहुत ही वीर हैं। और साथियों आपको पता है, आपको तो पता ही है महाराणा प्रताप के बारे में, साथियों बताना जरूरी नहीं है कि भाई वह किस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का तरह का था। साथियों वह मुगलों की अधीनता ना स्वीकार करने के लिए अपने सारे राज्यपाल राजपाट को त्याग देते हैं और जंगलों की ओर रुख कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार के व्यक्ति इनके आगे पीछे रहते हैं, परंतु साथियों हमारे जो महाराणा उदय सिंह होंगे यह मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं, उनसे डरते हैं। तो साथियों इस प्रकार से राजपूत जो व्यक्ति होते हैं, राजपूत इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि अगर उदय सिंह हमारे इतिहास में ना होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने और भी ज़्यादा सुनहरे होते हैं, और भी ज़्यादा उज्ज्वल होते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं इनके इतिहास की जानकारियों के बारे में। तो देखिए साथियों 1544 ईस्वी के अंतर्गत शेरशाह ने आक्रमण किया था मारवाड़ के ऊपर, यानी कि साथियों शेरशाह मारवाड़ पर आक्रमण करता है और गिरी सिमल के युद्ध के अंतर्गत साथियों वह विजय प्राप्त कर लेता है। साथियों विजय प्राप्ति के पश्चात में वह सोचता है, साथियों कि वह सोच ही रहा है कि भाई अब मारवाड़ के पश्चात में मैं मेवाड़ पर भी आक्रमण करूं। तो साथियों मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले ही उदय सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। साथियों आप क्या कह सकते हैं कि भाई उन्होंने अधीनता किस प्रकार स्वीकार करी होगी। साथियों एक सीधा सा मत निकल कर आता है कि भाई उदय सिंह डर गए थे कि भाई अब मेरे पर भी आक्रमण होगा, मेरा राज्य छीन लिया जाएगा और मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो साथियों इस चीज़ के मारे, इस डर के मारे वह अपने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो साथियों देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तथा वह उदय सिंह ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब साथियों बात करेंगे अगले आक्रमण के बारे में। तो देखिए साथियों 1567 के अंतर्गत आक्रमण होगा हमारे अकबर का आक्रमण, जो कि साथियों सीधा मेवाड़ पर होगा। तो देखिए अब इस आक्रमण के अंतर्गत साथियों चित्तौड़ का या फिर मेवाड़ का तीसरा शाखा भी होगा, जो कि इतिहास के अंतर्गत साथियों बहुत खतरनाक एक तरीके से बदलाव लेकर आता है। और साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसके पश्चात में आएंगे महाराणा प्रताप, जो कि साथियों चित्तौड़ के इतिहास को या फिर मेवाड़ के इतिहास को इतिहास के अंतर्गत अपने सुनहरे पन्ने जोड़ते हैं, सुनहरा इतिहास लिखते हैं। साथियों वो सारी जानकारियाँ आपको इसी घटनाक्रम से शुरू होती है आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए साथियों 1567 ईस्वी में अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ के ऊपर, यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण करता है। साथियों यह सीधा आक्रमण अपने मेवाड़ पर नहीं होता है, क्योंकि अकबर की सेना जा रही थी गुजरात के अंतर्गत। साथियों गुजरात जाते समय रास्ते में पड़ता है मेवाड़। तो देखिए मेवाड़ के अंतर्गत उसे देखने को मिलता है कि भाई मेवाड़ बड़ा ही समृद्धशाली है और शक्तिशाली राज्य है, इस पर विजय प्राप्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों वह इसीलिए मेवाड़ में रुक जाता है और मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। देखिए साथियों मैंने लिखा है इस आक्रमण के समय उदय सिंह अपने सेनापतियों जयमल तथा
पत्ता को दुर्ग सौंप कर पहाड़ों में चले जाते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि भाई एक निर्बल व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है कि भाई राज्य तो खतरे में है और वह अपने सेनापतियों को दुर्ग की चाबियां सौंपकर या फिर दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर जंगलों में लौट जाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं 1567 के आक्रमण की बात हो रही है। इस आक्रमण के समय उदय सिंह ने अपने सेनापतियों जैमल और फत्ता को दुर्ग की चाबियां सौंपकर या फिर दुर्ग की रक्षा का जिम्मेदारी सौंपकर खुद पहाड़ों में चले गए थे। ताकि अब देखिए भीषण युद्ध होने के पश्चात में जैमल फत्ता और कलाजी राठौड़ ने केसरिया किया तथा फूल कंवरी ने जौहर किया। साथियों ये जौहर या फिर ये जो शाखा होता है यह मेवाड़ के इतिहास का तीसरा शाखा हुआ था। साथियों आप समझ सकते हैं देखिए बड़ा भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंतर्गत साथियों जैमल और फत्ता और साथ में कलाजी राठौड़ जो कि साथियों राजस्थान के एक लोक देवता हैं और चार हाथों वाले देवता के नाम से जाने जाते हैं। साथियों इन्होंने बड़े भीषण युद्ध किया और बड़ी वीरता के साथ में ये लड़ते रहे, परंतु साथियों अंत के अंतर्गत जब इन्हें लगा कि भाई अब हमारी हार होने वाली है तो साथियों ये करते हैं केसरिया और जौहर, यानी कि साथियों मेवाड़ के इतिहास का तीसरा शाखा अब दोहराए जाने वाला था। तो साथियों देख सकते हैं कि भाई जैमल फत्ता और कलाजी राठौड़ ने मिलकर अपने माथे के ऊपर केसरिया बांधा और हाथों में दो तलवारें लेकर यह कूद पड़े थे मैदानों के अंतर्गत और साथियों यह मुगलों की सेना को सफाया करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परंतु साथियों एक समय उनको पता है कि भाई हमारा अंत होना सुनिश्चित है क्योंकि हमारी सेना कमजोर है कम है और मुगलों के पास में बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े तोपें हैं और बड़ी सारी सेना है। तो साथियों इस प्रकार से दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए थे और ये लोग कूद पड़े थे मैदानों के अंतर्गत। और साथियों जो दुर्ग के अंतर्गत जो महारानियां थी रानियां थी, साथियों रानियों में आती है फूल कंवरी। तो देखिए साथियों फूल कंवरी कौन है, तो यह फत्ता की बहन फत्ता जो कि इस दुर्ग का सेनापति है उसकी पत्नी होती है और साथ ही उसका साथी सेनापति होता है जैमल, तो यह जैमल की बहन होती है। तो फूल कंवरी ने साथियों इसके अंतर्गत जौहर किया था और साथियों इस प्रकार से मेवाड़ के इतिहास का तीसरा शाखा होता है। साथियों अकबर जब पहली बार इस शाखे को देखता है तो वह राजपूतों की वीरता से प्रभावित होता है और साथियों उसका एक बार के लिए हृदय भर आता है और वह कहता है कि भाई राजपूत बड़े वीर हैं, यह मरने और मारने के सिवा कुछ नहीं जानते। साथियों अगर राजपूतों ने बड़ी रणनीति के साथ में कार्य करते तो वह आपको पता होता है, हमारे को ज्ञात भी होता है कि साथियों बहुत से शासक ऐसे भी आए हैं जो कि रणनीति से कार्य करते हुए बड़े आगे गए हैं, उन्होंने अपने इतिहास का अपने समाज का अपने कुल का और अपने वंश का नाम रोशन किया था। साथियों कुछ राजपूत शासक ऐसे भी आते हैं जो कि बड़े निर्दय होते हैं और कायर भी होते हैं। तो साथियों ऐसे घटनाक्रम हमारे को देखने को मिलते हैं और अकबर को बड़ा आघात होता है कि भाई राजपूत बहुत ही बलवान हैं, बहुत ही वीर हैं, वह मरने और मारने के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। साथियों देखिए अब बात हो रही है मेवाड़ के इतिहास के तीसरे शाखा के बारे में, तो तीसरा शाखा हुआ था 1567 ईस्वी के अंतर्गत। साथियों 67 नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे 1568 ईस्वी लिखेंगे। साथियों 1568 ईस्वी के अंतर्गत मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था और उस शाखे के पश्चात में अकबर का अधिकार हो चुका था मेवाड़ के दुर्ग पर। साथियों देखिए विजय के उपरांत अकबर ने 30,000 लोगों का यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया था, जिसके अंतर्गत साथियों 30,000 लोगों का कत्लेआम का आदेश दिया था अकबर ने ताकि राज्य की जो जनता है वह भी समाप्त हो जाए, क्योंकि साथियों उसने दुर्ग को समाप्त कर दिया था, राजा महाराजा शासकों को सबको समाप्त कर दिया था। अब इसके पश्चात में जनता के मन के अंतर्गत मेवाड़ के राजपूतों का जो नाम मिटाने के लिए उसने उन सभी लोगों का कत्लेआम का आदेश दे दिया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई अकबर ने अपनी क्रूरता और निर्दयता का परिचय यहाँ पर दिया था और वह 30,000 लोगों का कत्लेआम एक साथ यहाँ पर करवा देता है। साथियों आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैंने लिखा है कि भाई साथ ही वह जैमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने अपने आगरा के दुर्ग के अंतर्गत, साथियों देखिए अकबर ने जब यहाँ पर कत्लेआम आदेश जारी करवाया था तो साथियों इससे बड़े राजपूत अन्य शासक होते हैं जो कि उसके सरदार थे वह इससे नाराज होते हैं। साथियों वो नाराज होने के पश्चात में इनसे मनमुटाव रखते हैं, तो अकबर इससे इन सभी लोगों को खुश करने के लिए अपने जो जैमल और फत्ता होते हैं इनकी दो गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित करवाता है। साथियों कहाँ पर करवाता है, तो यह करवाता है हमारे आगरा के दुर्ग के अंतर्गत। साथियों देखिए वर्तमान में यह नहीं है आगरा के दुर्ग में क्योंकि औरंगजेब ने इन प्रतिमाओं को तुड़वा दिया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि मैं जैमल और फत्ता की प्रतिमाएं अकबर ने कहां पर लगवाई थी, तो यह आगरा के दुर्ग में लगवाई थी जो कि साथियों गजारूढ़ प्रतिमाएं थी यानी कि हाथी पर बैठी हुई थी। साथियों अब बात करते हैं 1572 ईस्वी के अंतर्गत जब हमारे उदय सिंह पुनः जंगलों से लौट कर आएंगे, यानी कि पुनः वह पहाड़ियों से लौटते हुए जब
पहुंचते हैं मेवाड़ के अंतर्गत। चित्तौड़ में वह पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि भाई अब मेरा साम्राज्य खत्म हो चुका है, मेरी रानियां, मेरे जो पुत्र थे, संतानें थी, वह समाप्त हो चुकी है। अब सत्ययुग देखिए उन्हें लगता है कि भाई अब मैंने आने में बड़ी देर कर दी थी, मेरे सारे सेनापति जा चुके हैं और अब साम्राज्य मेरा नहीं रहा है। तो सत्ययुग पहुंचते हैं गोगुंदा के अंतर्गत और गोगुंदा को अपने राज्य की पांचवी राजधानी का दर्जा प्रदान करते हैं। और साथियों इस दर्जे के साथ ही वह अपने पुत्र यानी कि अपने प्रिय पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था 1572 ईस्वी की बात कि भाई 1572 ईस्वी में पहाड़ों से लौटने पर उदय सिंह ने गोगुंदा को मेवाड़ की पांचवी राजधानी का दर्जा प्रदान किया था तथा अपने प्रिय पुत्र जगमाल, साथियों यह उदय सिंह का पुत्र हुआ करता था तत्काल में जगमाल, जो कि जगमाल को यह अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों देखिए अब बात हो रही है महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि उदय सिंह के पश्चात में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। साथियों अल्पकाल के लिए जगमाल का एक तरीके से जो भी इसका भी राज्याभिषेक होता है क्योंकि इसके पिता ने इसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो साथियों वो जानकारियां मैं आपको अगली क्लास में माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, तो प्लीज़ साथियों क्लास में बने रहिएगा, आप एक बार वापस से साथियों रिलेट कीजिए। तो देखिए साथियों बात करते हैं तत्काल में महाराणा प्रताप के बारे में। साथियों महाराणा प्रताप आपके बारे में मन में विचार आ रहा होगा कि भाई महाराणा प्रताप तत्काल में कहाँ थे, वह क्या कर रहे थे, क्योंकि साथियों महाराणा प्रताप जब यह युद्ध हो रहा था तो लगभग 40 वर्ष की आयु के थे। और साथियों यह कहाँ पर थे तो देखिए तत्काल के अंतर्गत भीलों के साथ जंगलों में रहकर कामना दोष जीवन बिता रहे थे। साथियों क्योंकि इसे एक निष्कासित कर दिया गया था इसी के पिता के द्वारा और यह अपना निष्कासित जीवन भीलों के साथ में रहकर जंगलों में बिता रहे थे। तो साथियों मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, क्लास आपको बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी प्रियजनों में शेयर कीजिए। अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइए, जिससे कि साथियों हमारी जो लेटेस्ट क्लासें होती हैं, जो कि वीडियोस अपलोड करी जाती हैं साथियों, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के बारे में, जो कि साथियों मेवाड़ के सबसे वीर शासक होते हैं। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।